तेल लगा लेंगे तो इसका क्या है ना, दूध जो है लगेगा नहीं। पता है पंखा चल रहा था और चिड़िया जो है कट करके गिर पड़ी, वही मैं देख रही थी। मैं कहा अरे, फिर मैं सोची चलो उठ करके मैं जाती हूँ, पंखा बंद कर देती हूँ। क्या करूँ, मजबूरी में पंखा चलाना पड़ता है क्योंकि किचन में ना गर्मी लगती है। पर चिड़िया कट के गिर पड़ी, मैंने कहा ओ हो, तो फिर गई मैं, फिर पंखा बंद कर दी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं बना रही हूँ कटहल। तो क्या बना रही हूँ कटहल का, तो वीडियो में बने रहिए। जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो पुराने हैं लाइक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे। और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा, आज आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो चलिए हम काट रहे हैं कटहल। तो मेरे हस्बैंड अभी 2 दिन पहले ये कटहल लेके आए हैं, तो बड़ा सा कटहल था, तो मैंने कहा इसकी सब्जी बनाऊंगी तो ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 4 लोग ही हैं और गर्मी में इतना ऑयली चीज़ें कहाँ कोई खाता ही है, एक आध दिन खा लेगा बस हो गया। तो मैंने कहा चलो इसका हम बनाते हैं कटहल का अचार। तो सच में कटहल का अचार बहुत ही टेस्टी बनता है और आजकल कटहल का सीज़न भी है, तो आप भी ज़रूर कटहल का अचार बनाइए और इसको 3-4 साल तक आप स्टोर करके रख भी सकती हैं। जब कभी आपके घर में कोई सब्ज़ी ना बनी हो तो आप कटहल के अचार को निकाल करके दाल चावल या रोटी पूड़ी परेठा किसी के साथ भी अपने घर के लोगों को आप सर्व कर सकती हैं। तो ज़रूर आप वीडियो में बने रहना, मैं कैसे कटहल का अचार बना रही हूँ तो ज़रूर सीख लीजिए। जिनको आता है कोई बात नहीं, पर सबका बनाने का ना तरीका अलग अलग होता है, इसलिए हर लोगों के तरीके को सीखना ज़रूर चाहिए। और हम औरतों के अंदर ऐसा होता ही है कि हमें फिर भी आता हो, फिर भी हम लोग देखते हैं कि वो ऐसी चीज़ें कैसे बना रही हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, बने रहना वीडियो में, इसके बिल्कुल मत करना। और मेरे तरीके से आप कटहल का अचार ज़रूर बना के अपने घर परिवार को खिलाइएगा। सच्चे में ना लोग तो इस बार बार डिमांड करेंगे, यार खाने के साथ एक टुकड़ा अचार दे दो कटहल का, सच में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बताते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मशक्क़त तो कटहल काटने में है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो प्लीज़ जो बहनें काट सकती हो तो आप काट लेना, नहीं आप कहीं बाज़ार से आप कटवा लेना। तो हम तो आज काट ही रहे हैं और हमने लगा लिया है। अगर आपको दिक्कत हो ना, तो क्योंकि जानते ही कटहल में दूध बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप ज़रूर चाकू में तेल लगा लीजिए, हाथों में सरसों का तेल लगा लीजिए, तो आपके हाथों में और चाकू में चिपकेगा नहीं, क्योंकि दूध होता है इसमें। और मैंने नीचे बिछा रखा है पेपर ताकि कहीं इधर उधर ज़मीन में फैले ना, क्योंकि ये चिपकता बहुत ज़्यादा है। तो चलिए ठीक है, इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं जो है। और काटने के बाद मैं क्या करूँगी तो वीडियो में हमारे ज़रूर बने रहिएगा जो है, तभी आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत से भाई बहन क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और स्किप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कटहल को काट लिया छोटे छोटे पीसेस में और इसको अच्छे तरीके से धो के, और अब मैं रख दे रही हूँ इसको उबलने के लिए, पानी रख दिया है हमने। तो देखिए उबल गया है और उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ धूप में, और छोटी छोटी मैंने अमियाँ भी काट के डाल दी है। तो इसको आज पूरा दिन के लिए मैं धूप में डाल दूँगी, क्योंकि इसका मुझे पानी मर जाएगा तभी। तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है, और अभी मैंने ये कटहल को जो है उबाल करके और यहाँ धूप में डाल दिया है। तो कटहल का अचार बनाने के लिए आप हल्का सा उबाल लीजिए और इसी तरह घाम में, अब मैं पूरा दिन इसको छोड़ दूँगी, एकदम इसका पानी ख़त्म हो जाएगा, तभी अचार बनाऊँगी। जब बनाऊँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अभी मैंने धोती अपने हस्बैंड जी की माँ के धो के डाल दी है, और अमियाँ छोटी छोटी थी तो उसको काट के थोड़ी सी हल्दी लगा के, वो छीलते नहीं बनता है, मेरे हस्बैंड के स्कूल के एक टीचर हैं तो वही लेकर के आई थी छोटे छोटे। अब ये सब बताइए, जो कोई खाली हो तो बैठ करके छीलता रहे, भाई ये सब काम मेरे बस का नहीं होता है। तो मैंने क्या किया है, इसको काट के धूप में डाल दिया है, तो इसको मैं गुड़ उड़ डाल के लपेट के रख दूँगी, ऐसे ही मीठा मीठा काम चल रहा है, लोग खा लेंगे। अल्लाह क्या चली गई है, पंखा मैंने चला रखा है और अब हम लाइट हमारे यहाँ नहीं है तो किचन में एकदम अंधेरा है। तो अभी चलते हैं खाना खाते हैं, क्योंकि अब लगी है भूख
और हमने सुबह सिर्फ एक कप चाय पिया है, बस हो गया। और दो पूड़ी खा ली थी, कल की पूड़ी रखी थी तो उसको गरमाया और खा लिया। अभी चलते हैं, खाना खाते हैं। तो आज हमने बनाया था भिंडी की सब्ज़ी और भरिया दाल बना है मेरा, जैसा कि मेरे यहाँ रोज का ही है ये खाना। और तो मेरे हस्बैंड लाए थे वो लेमोनिया होती हरी वाली, वही लाए थे। तो कहें इसको टाइम हो तो बना दो, हमने कहा टाइम कहाँ बचा, 7:30 हो गए। तो इन्होंने कहा थोड़ा सा रख लो, खाना खून बढ़ेगा। हमने कहा नहीं रहने दो, तो जो चीज़ नहीं पसंद है उसको ज़बरदस्ती इंसान नहीं खा सकता ना, जिसको पसंद है वो खाए। तो मुझे नहीं पसंद है, हम लोगों ने कभी खाए ही नहीं है सब चीज़ें, पालक मेथी बथुआ ये सब चीज़ें खाए। ये सब लेमोनिया समुनिया हम लोग ने कभी नाम ही नहीं सुना। हम लोगों के यहाँ होता था कॉलोनी में, ये ईंटे के नीचे जमा रहता था, इसको लोग गाय लोग चरती थी। चलिए हमारा जो है कटहल सुन के यहाँ आए हैं तो हम सुन रहे हैं कि यहाँ लोग इंसान भी खाते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है, होता होगा। लेकिन जिसको जो चीज़ नहीं अच्छी लगती तो कैसे ज़बरदस्ती खाएगा, है ना। जिसको अच्छी लगे पेड़ भर खाए भाई, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो चलिए ठीक है, खाना खा लेते, लगती है भूख। फिर जब अचार आप बनाएंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा कटहल जो है सूख गया है पूरी तरीके से। मैंने बनाने के लिए मिर्चा पाउडर, नमक, हल्दी और यहाँ पे मसाले का डिब्बा रखा है। तो क्या क्या डालेंगे तो बने रहना मेरे वीडियो में। तो चलिए एक कढ़ैया ले लेते हैं, बड़ा सा बर्तन, क्योंकि हमको अचार मिलाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन ही चाहिए। तो इसमें मैंने कटहल चलिए मैंने डाल लिया है कढ़ैये में, और मैंने अपने गैस में रख दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल गुनगुना होने के लिए। आप कोई भी अचार बनाइए ना तो सरसों का तेल को हल्का गुनगुना करके ही डालिए। कच्चा तेल डालेंगे तो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है, हल्का गुनगुना करके थोड़ा ठंडा करके डालेंगे ना तो अचार ख़राब नहीं होता। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं कटहल में हल्दी, और यहाँ पर फिर अब डाल देते हैं मिर्चा। तो आप अपने हिसाब से मिर्चा और हल्दी डालिएगा, जितना आपने कटहल ले रखा हो उतना आप हर चीज़ डालिएगा। तो मिर्चा भी आप अपने हिसाब से डालिए, बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो फिर घर के लोग खा भी नहीं पाएंगे, है ना। तो अपने हिसाब से जो है डालिए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, और थोड़ा सा नमक हल्का ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि नमक जो है धीरे 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 अचारों के अंदर मतलब हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। अब इतना भी मत डालिएगा कि बहुत ज़्यादा हो जाए, अपने हिसाब से डालिएगा, औरतें हमारी सब जानती हैं। तो यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर, और डालूंगी अब जीरा पाउडर, थोड़ा सा सौंफ डालूंगी, और मंगरेल हो आपके पास तो आप मंगरेल डाल दीजिएगा। मेरे पास मंगरेल नहीं है इस समय, इसलिए मैं मंगरेल नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे हम जीरा भी डाल रहे हैं। तो क्या क्या मसाला डाला है एक बार फिर से आपको हम दोहरा देते हैं। हल्दी डाला, नमक डाला, और मिर्चा पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला, जीरा पाउडर, सौंफ डाल दिया, नमक डाल दिया, ठीक है। और अब डाल रही हूँ लहसुन। तो जी हाँ, मैं लहसुन खड़ा डाल रही हूँ, और आपके आपको यदि कूच के डालना हो तो कूच के डाल दीजिएगा। मैं खड़ा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में ना खड़ा लहसुन खाने के शौकीन हैं लोग, इसलिए मैं खड़ा डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जो तेल गुनगुना किया था वो हल्का ठंडा हो गया, तब हम इसको ऊपर से डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और ताकि इसको अच्छे से हम मिला सकें। तो वीडियो को ज़रूर आप जो है पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ज़रूर बनाना भाई मेरी बहनें, आप इस तरीके से कटहल का अचार बना के रखेंगे 3-4 साल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और बता रहे हैं कि लोग तो बार बार मांग डिमांड करेंगे कटहल के अचार की, कि भाई खाना के साथ थोड़ा सा अचार दे दो कटहल का। तो ज़रूर बनाइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब। आप लोगों ने जैसा देखा था कि आज हम कटहल को उबाले हैं, उबालने के बाद पहले काटे हैं फिर उबाले हैं, उबालने के बाद धूप में डाले थे, और उसके बाद जब सूख गया है पूरे दिन के लिए डाले थे, सूख गया है। तो उसके बाद हमने इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक, मिर्चा पाउडर और हल्का सा तेल गरमाया है तब इसमें डाला है। तो चलिए इसको हम हाथों से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हाथ से ना अच्छी तरीके से मिक्स होगा, चम्मच से उतने अच्छे से नहीं मिलेगा। और हमने लहसुन छील करके खड़ा डाला है, तो आप चाहो तो इसको कुचल के डाल देना, पर मैंने खड़ा डाला है। तो लहसुन जो खड़ा डालेंगे ना उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए ये कटहल का अचार हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं होता, आप साल भर इसको स्टोर करके रख सकते हैं।
ठीक है, लेकिन इसमें तेल भर हल्का सा गुनगुना करके डालिएगा तो आपका अचार कटहल का ख़राब नहीं होगा। और आपके पास यदि सिरका हो तो आप सिरका डाल दीजिएगा, ठीक है। तो सिरका से आपके कटहल का अचार का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी हम सिरका ऐसे नहीं डालेंगे, जब डिब्बे में भरेंगे तो ऊपर से सिरका डाल देंगे। और देखिएगा जैसे आपके हाँ सब्जी नहीं बनी है, दाल चावल है, रोटी है, तो आप एक टुकड़ा कटहल का इस तरीके से आप लेके खा लेंगे, इतना टेस्टी लगेगा कि जैसे लग रहा है कि आप कटहल की सब्जी खाएंगे और साल भर खा सकते हैं इसे। तो ज़रूर आप इस तरीके से कटहल का अचार बनाइएगा, अपने घर परिवार को खिलाइएगा। सच में एक बार खाएंगे ना तो बार बार खाने के साथ मांग करके खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है कटहल का अचार। तो हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब जो हमारा ये तेल एक्स्ट्रा जो हमारा ये सरसों का तेल बचा है, इसको जब हम डिब्बे में भरेंगे तो हम ऊपर से इसको डालेंगे। तो चलिए इसको हम भरने के लिए पहले डिब्बे का इंतजाम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने ये हम डिब्बा ले आए हैं। तो चलिए इसे डिब्बे में, और डिब्बा आपकी नमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डिब्बा आपका धो करके आप उसको धूप दिखा दीजिए, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, उसका सारा पानी मतलब सूखा होना चाहिए। तो चलिए हम कटहल को लपेट देते हैं, लपेट दिए हैं, इसको डिब्बे में भरते हैं। और बहुत ही टेस्टी लगता है, पता है मेरी माँ मेरी बनाती थी अचार, मैंने अपने मम्मी को देखा था बनाते और बहुत ही टेस्टी लगता था। मेरे पापा ना बहुत खाते थे कटहल का अचार, और इलाहाबाद में वैसे भी कटहल के लोग बहुत शौकीन होते हैं सब्जियों के अचार के, और कटहल की दो प्याज़ा सब्जी भी बनती है हमारे घर में, तो आए दिन बनता रहता था कटहल की सब्जी दो प्याज़ा। हमको बहुत बचपन में कटहल की सब्जी ना बहुत ज़्यादा पसंद होती, तो पापा मेरे अक्सर मेरे लिए लाया ही करते थे कटहल, और मेरी माँ अचार भी बना लेती, बना के रख लेती थी। और मेरे गाँव में ना कटहल का पेड़ भी है, तो बड़े बड़े कटहल भी पड़ते थे। तो चलिए आप भी ज़रूर बनाइएगा कटहल, इस समय कटहल का सीजन है, तो बना के अचार रख लीजिए, देखिएगा कितना टेस्टी लगता है अचार। और मैं जिस तरीके से बनाई हूँ आप सेम इसी मेथड से आप कटहल के अचार बनाइएगा, और देखिएगा आपका सालों साल खराब नहीं होगा। और घर के तो बड़े बुजुर्ग बच्चे भी मांग मांग के ये अचार खाएंगे खाने के साथ, आप देखिएगा अजमा के। आपको फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा अगर ये अचार ख़त्म हो जाएगा तो, क्योंकि इतना टेस्टी लगता है ये कि जैसे लगता है कि आप कटहल की सब्जी खा रहे हैं, बना के तो देखिएगा। अब ये जो हमारा ये तेल बचा है ना, हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए, और तेल डालेंगे उसको भी हल्का सा, अभी आज हम इतने ही डालेंगे, कल फिर डालेंगे, लेकिन अभी इतने ही डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम नमक बढ़ा देंगे, क्योंकि नमक से जो है ना कटहल ये गलेगा, ठीक है। तो इसको हम नमक की मात्रा को बढ़ा देंगे, और इसमें हम सिरका डालेंगे, पर आज नहीं डालेंगे, आज इसको थोड़ा सा गल जाने देंगे, फिर इसमें कल गुनगुना हल्का सा तेल मिला के फिर ऊपर से डाल देंगे हम, ठीक है। तो अभी इसको हम ऊपर नीचे कर देते हैं इस डिब्बे को, ताकि नमक और तेल हमारा अच्छे से मिल जाए। आपको ये पैकेट लगा हुआ है ना, इसलिए आपको अचार दिख नहीं रहा होगा, मैं ये पैकेट फाड़ देती हूँ तब आपको दिखेगा, ठीक है। चल भैया चल भैया चल भैया, पढ़ती हूँ आपको, आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें ब्लॉगरों को, देख लीजिए बिना मेहनत की वीडियो नहीं बनती, आप लोग मजाक सोचते हैं। ये देखिए चल अब हम इसको देखते हैं ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, ये देखिए हमारा ये तेल मिक्स हो गया, पर हम इसको आज ऐसे ही रहने देंगे, कल इसमें हम हल्का सा गुनगुना करके तेल ऊपर से डाल देंगे, बस इसको पैक करके आपको रख देना है, 4-5 दिन के बाद आपका अचार बनके
तैयार, खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ज़रूर आप बना के अपने घर परिवार को खिलाइए। सच में ना बहुत ही टेस्टी लगता है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। बनाएंगे, आप खाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। देखिएगा घर परिवार के लोग तो मन मन के ये अचार खाएंगे, बना के तो देखिएगा कैसा लगा है। अगर ये हमारी वीडियो कटहल के अचार की अच्छी लगे तो लाइक दे देना भाई बहन, और जो नए भाई बहन हैं, अगर मेरा चैनल का ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है सीमा मौर्या ब्लॉग। मैं बस ऐसे ही सिंपल तरीके से वीडियो बनाती हूँ, अच्छी लगे तो ज़रूर देखा करिए फुलवाज, कोई ज़बरदस्ती नहीं। चलिए ठीक है, हमारा अचार बन के रेडी है, आप ज़रूर बनाना इसी तरीके से जैसे मैं मेथड से बनाई हूँ। सालों साल चलेंगे, ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए ठीक है, रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब के लिए बाय।